हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड यूजिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, एंड 1/x whenever there is 1/x in inverse function, it goes to the next complementary ratio, that is sin inverse of 1/x is cosec inverse x and so on. उसके बाद trigonometric triangle के कुछ formula थे कि अगर आपका x y 1 से छोटा है तो tan inverse of x plus y upon 1 minus x y, 1 से बड़ा है तो pi minus pi plus कर देते हैं ताकि it comes out to the second quadrant और so on. ये सब formula आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए अब क्या है कि देखिए, ये तो हुआ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी, प्रॉपर्टीज, और इसके आगे की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके पास जो कि प्रूफ करने होते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको कि हमें करना होता है। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए और रादर इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन ऑर्डर टू simplify these questions, in order to simplify the inverse trigonometric functions, हमें कुछ certain tricks पता है। हमें मतलब सबको पता है, not my personal copyrighted thing। बहुत सारी कुछ ऐसे चीजें होती है जो करने से inverse trigonometric functions आपके solve हो जाते हैं। कैसे? जब भी आपके पास पहला, देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिड्यूस होके एक सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो वही सब्स्टिट्यूशन हम आपको लिखवा रहे हैं, काफी स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं। हाँ, 90% क्वेश्चंस में ये सब्स्टिट्यूशंस आपको इसी टाइप के दिख जाएंगे, लेकिन जहां नहीं दिखता है वहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लगा लिया जाएगा, बहुत है हम लोग पास। तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास देखने के लिए दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप के टर्म्स, जैसे 1 - x² 2 - x² 4 - x², इस टाइप के टर्म्स अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अब कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, व्हाट काइंड ऑफ रबिश इज दिस? This is not rubbish. This is extremely, extremely, extremely important thing. बहुत ही important substitutions होते हैं। नहीं समझोगे तो trigonometric substitution में फंस जाओगे। इसीलिए हम इतना detail में समझा रहे हैं। बात एकदम पते की है, पल्ले बांध के रख लियो। तो कहते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि मान लीजिए आपको दिया गया say 2x अंडर रूट 1 - x² ये दिया गया आपको। चलिए, इज इक्वल टू या रादर साइन इनवर्स ऑफ दिस, ये दे दिया गया आपको, ये आपका क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। कहेंगे सर ई का है, तो हम कहेंगे ई क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है बच्चों कि देखिए एक्स, इसमें आपको कैसा टर्म दिख रहा है, 1 - x² वाला दिख रहा है ना, क्या करेंगे, a की जगह 1 है, x तो x ही है, आप पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा, कुछ भी पुट करिए भाई। देखिए यहां साइन है, कॉस है, ये सब चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर ध्यान में रख के हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेकिन इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे साइन पुट करिए चाहे कॉस पुट करिए। तो ये क्या बनेगा क्वेश्चन आपका, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2, एक्स की जगह क्या पुट किया हमने, साइन थीटा रूट ओवर 1 - x की जगह क्या पुट किया है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बना। आप बताओ
साइन इनवर्स ऑफ, सोचिए सोचिए जब तक हम लिख रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, रूट कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ऑफ टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा। अब थीटा कुछ भी हो, देखो रेंज वेंज की बात बाद में करेंगे, हमें मेक श्योर करना होगा कि दिस एंगल टू थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, वो तो वैल्यू आने के बाद हम देख लेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे अगर 600 है तो हमें पता है ना कैसे उसको एडजस्ट करना है, बट अभी आपको अगर आंसर रिपोर्ट करना हो तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा टू थीटा। और थीटा क्या है आपका, यहां से आपको मिलेगा थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। मीन्स ये जो यहां पर चीज लिखी हुई है इसकी वैल्यू टू साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज टू साइन इनवर्स एक्स। देखा चीज, सच अ पावरफुल मैजिकल वॉन्ड, ये एकदम जादू की छड़ी है। सही सब्स्टिट्यूशन किया नहीं, मतलब जैसे जादू मंत्र होता है ना हैरी पॉटर में, अल्लाह मोरा ये सब, ठीक। तो ये सब चीजें अगर सही टाइम पे सही मैजिक आपने चला दिया, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। गलत मैजिक चलाओगे तो अपने आप को भी नुकसान करोगे, नंबरों का नुकसान करोगे, क्वेश्चन को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। अब क्वेश्चन को बुरा ना लगे इसलिए यू नो यू शुड ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर यू नो हॉपिंग ऑन टू द क्वेश्चन। चलिए यह है आपका क्वेश्चन, यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, समझ में आया। ये जो टेक्निक होती है ना इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सिंप्लीफिकेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये ट्रिक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे ज्यादा सीखनी है, रेंज निकालना एंगल निकालना सब है ठीक है अपनी जगह है, लेकिन असली मोह माया जो आपको फंसा देती है वो ये है, ये सब्स्टिट्यूशन करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर ले जाना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसी को सीखना सबसे जरूरी है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका, ये बेसिकली जानते हैं ये आपका एक फॉर्मूला भी होता है, ये साइन टू थीटा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा इज टू साइन इनवर्स एक्स। ये अभी हम लिखवा देंगे सारे फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले हम लिखवा देंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अब इसी को देखो, कॉस भी पुट करते हैं तो पहला कॉस आता, रूट के बाहर साइन आ जाता तो भी साइन टू थीटा ही बनता, लेकिन अगर बाहर साइन इनवर्स है तो कोशिश करिए कि अंदर वाला एंगल साइन में जाए, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर वाला कॉस में जाए, टैन है, ठीक। चलिए सेकेंड वाला, सेकेंड वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर ए वेरिएबल स्क्वायर के साथ नेगेटिव में है, वेरिएबल स्क्वायर के साथ नेगेटिव है तो ये करिए, वेरिएबल पॉजिटिव है तो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो चाहे वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए लॉजिक ये होता है इन सब सब्स्टिट्यूशंस के पीछे कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आपने ए साइन थीटा पुट कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में इसमें अगर आपने एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट किया तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन गया क्या बचा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चला गया। इसी तरीके से अगर आपने ए कॉस थीटा पुट किया होता तो ये कन्वर्ट होके किस में चला जाता, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में। तो बेसिकली ये पूरा रिड्यूस होके एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चला जाता है, इसलिए हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब दूसरे वाले में आते हैं, इसमें क्या फायदा होता है, तो हम कहते हैं भाई चलो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, आप क्या करिए एक्स की जगह एक बार ए टैन थीटा पुट कर दीजिए तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर टाइम्स वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूशन की अहमियत इंपॉर्टेंस देखिए आपने। अब अगर मान लीजिए आपने इसकी जगह कॉट थीटा पुट किया होता ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में, आपने एक्स की जगह ए कॉट थीटा पुट किया होता आपने, ये क्या आता ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर टाइम्स वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको एक और फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये वन इसको उधर ले जाएंगे तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये जो पूरा एंगल है ये ए इंटू अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिड्यूस कर जाता है, ए इंटू अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिड्यूस कर जाता है। तो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन जो आपको याद रखना है वो ये है। थर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक और सब्स्टिट्यूशन है, मतलब देखिए बेसिकली छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास, साइन थीटा कॉस थीटा यूज कर लिया, टेन थीटा कॉट थीटा यूज कर लिया। अब आगे वाले जो दो हैं कोसेक और कॉट, उसके लिए अगर आपके पास इफ यू आर गिवन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेरिएबल नेगेटिव तो साइन कॉस पुट करो, वेरिएबल पॉजिटिव तो टेन कॉट पुट करो, और अगर कॉन्स्टेंट टर्म निगेटिव है तो यू पुट सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू ए sec थीटा और ए cosec थीटा। कहोगे क्या फायदा, फायदा देखते हैं। चलिए लेट x इज इक्वल टू ए sec थीटा, तो यहां से क्या आएगा sec ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोई फॉर्मूला दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, यस पहला वाला ही फॉर्मूला है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इस वन को इधर लाइए, tan को उधर ले जाइए, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका चला जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा में। उसी तरीके से अगर आप a cosec थीटा पुट कर देते हैं, a cosec थीटा पुट कर देते तो क्या मिलता, a स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर ले गए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोसेक स्क्वायर थीटा देखिए ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा cot square theta में। And in inverse trigonometric functions, it's all about reducing to simpler forms. जैसे आपने trigonometric functions, जब trigonometry आपने पढ़ी होगी 11th में, तो आपने बहुत सारे formula पढ़े होंगे, sin 2 theta, cos 2 theta, cos 2 theta formula, ये सारे याद होने चाहिए। ये सारे याद रहेंगे तभी आपको इस chapter में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर याद नहीं रहे, अगर याद नहीं रहे तो फिर बच्चों हम क्या तुम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन न्यू सिंप्लीफिकेशन फॉर्म्स ऑन बोर्ड, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आपके सामने हमने बोर्ड पे तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये तीनों फॉर्मूले कंप्लीट नहीं है, तीनों फॉर्मूले कंप्लीट नहीं है। कहेंगे सर कंप्लीट नहीं है तो क्यों लिखवाया आपने, हमने कहा बेटा देखो होता यह है कि पढ़ाई दो प्रकार की होती है। देखिए कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है कि मतलब एक सीरियस वाली पढ़ाई एक सोशो पढ़ाई, या एक मेहनत लगा के पढ़ाई एक सोशो के पढ़ाई, तो वो वाली नहीं, हम सीरियस में दो टाइप की पढ़ाई होती है। एक होती है आपकी बोर्ड्स वाली पढ़ाई, मतलब आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते, आप कुछ और आपका टारगेट है पीआईएस पीसीएस या कोई और तमाम फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स होती है पढ़ने के लिए, तो किसी एक फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो एक खुद ही बोर्ड्स वाली पढ़ाई कि आपके बोर्ड्स में
अच्छे परसेंटेज कैसे आए आपका टारगेट ये होता है। लेकिन ये टारगेट हर एक बच्चे का होता है, चाहे आपकी फील्ड ऑफ चॉइस कुछ भी हो, आप फ्यूचर में कुछ भी करना चाहते हो, ये आपका सबके लिए कंपलसरी है। तो ये बोर्ड्स वाला है। दूसरी होती है टारगेटेड, जैसे हम जेई के लिए पढ़ाते हैं तो दूसरी होती है जेई के लिए पढ़ाई। तो जेई के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, इन तीनों का एक्सटेंशन हम अभी एंड में लिखवा देंगे, अभी हम एंड में लिखवा देंगे, लेकिन अभी हम इन्हीं तीनों फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। इन्हीं तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और बेसिकली है फॉर्मूले यही, जैसे टेन इनवर्स एक्स में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला जो फॉर्मूला हमने जब देखा था, तो उसमें हमने कहा था कि भाई आपका ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में, ये तो हमेशा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ही रहेगा। ये एंगल जब आप इसको बड़ा कर रहे हैं तो देखिए ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में रहेगा, ये एंगल आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, ये तो पाई जीरो से पाई में चला जाएगा। तो और ऊपर से यहां पे उसने कुछ रेंज की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक समय ऐसा यही मिलेगा। तो इसके लिए हर पॉसिबिलिटी को देखते हुए, हर पॉसिबिलिटी को देखते हुए हम इसका फॉर्मूला लिखवा दिया जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए, जैसे इसमें लिखा गया कि x की वैल्यू माइनस वन से वन ही है अगर, तो ऐसा तो होता नहीं है बच्चों कि x माइनस वन से वन ही लोगे आप, x तो आप कुछ भी ले सकते हैं, यहां तो ऑल रियल नंबर रेंज में आता है। तो क्या हो अगर आपका x वन से बड़ा हो जाए, या क्या होगा x वन से छोटा हो जाए? तो देखिए यहां पर अगर x वन से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये एंगल पाई बाई फोर से बड़ा, ट्वाइस पाई बाई फोर 90 से बड़ा, इसकी रेंज से बाहर चला जाएगा। इसीलिए कहा गया कि ये x1 से छोटा होना चाहिए, समझ में आया? और अगर ये x1 से माइनस वन से छोटा हो गया तो ये एंगल माइनस पाई बाई फोर से छोटा हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ माइनस पाई बाई फोर माइनस पाई बाई टू से छोटा हो जाएगा, फिर ये इसकी रेंज से बाहर चला गया। तो हम ये कहेंगे कि भाई इस रेंज में ही केवल इसकी वैल्यू पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर आएगी, डबल करने पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आएगी, तो ये दोनों की रेंज मैच करेगी। ओके, क्योंकि ये तो एंगल है, ये तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बाहर बीच ही आएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ मल्टीप्लाइड नहीं। यहां पर दिक्कत यह है कि ये आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का है, लेकिन जब आप उसको डबल कर दे रहे हो ना, उसको टू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो ये एंगल तो बाहर भी जा सकता है पाई बाई टू से। सपोज करिए आंसर पाई बाई टू ही आ रहा हो, तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई पहुंच जाएगा, बट पाई हमारी रेंज में ही नहीं है। तो इसलिए हमने यहां पर एनसीईआरटी ने ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि आप एक्स कुछ भी नहीं पुट कर सकते, आपको एक्स यही पुट करना पड़ेगा ताकि इसकी रेंज आपकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही रहे मल्टीप्लाई करने के बाद, ताकि इससे इसकी रेंज मैच कर जाए। वही लॉजिक इसमें भी है कि भाई ये तो आपका जीरो से पाई आएगा, ये वाला नंबर जब तक पॉजिटिव है, जब तक पॉजिटिव है तब तक तो जीरो से पाई आएगा। एक्स को पॉजिटिव पुट करो, ये जीरो से पाई बाई टू, टू से मल्टीप्लाई किया जीरो से पाई, तो ये नंबर पॉजिटिव रहेगा तो ये रेंजेस मैच कर जाएंगे। लेकिन ऐसे एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है भाई, उसके दोनों के रेंज में आता है, डोमेन में आता है, बिल्कुल आएगा। तो इसके लिए क्या वैल्यूज होती है, और इसी तरीके से इसमें क्या वैल्यूज होती है, सेम थिंग गोज फॉर कि इसकी रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहां पाई माइनस वन से बड़ा नंबर, छोटा नंबर या वन से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो ये एंगल 45 से बड़ा, डबल करने पे 90 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसने यहां भी इसको माइनस वन से वन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक, तो डोमेन की इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, डोमेन अगर ये है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और जब तक आप बोर्ड की बात कर रहे हैं, इसके बाहर की बात नहीं आएगी, और आएगी भी तो चिंता नहीं करने का, हम अपने बच्चों को सारे फॉर्मूले लिखवाएंगे, सबका प्रूफ भी बताएंगे, अभी इन प्रूफ्स को देख लिया जाता है। ठीक, जानना सब है, देखिए बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने रेंज बताया, डोमेन बताया, सारे फंक्शंस के बताइए, तो भाई जब रेंज से बाहर जा रहा है तो कैलकुलेट करिए, लगाइए दिमाग क्या होना चाहिए, फॉर्मूला उसने बता ही रखा है, केवल पाई ऐड या सबट्रैक्ट करना है। बेसिकली देखिए, अगर ये एंगल 90 से बड़ा चल गया तो इसको कहां ले जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, वापस कहां ले जाना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाओ, नेगेटिव आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाओ। चलिए, तो वही करना है, चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ सिंपल, हमने आपसे क्या कहा था भाई, आप आरएचएस कंसीडर करो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी वन प्लस एक्स स्क्वायर,
वन माइनस एक्स स्क्वायर भी है, चलो कोई बात नहीं। इन तीनों फॉर्मूले में आपको सॉरी आरएचएस दिया क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या करिए, x की जगह tan थीटा पुट कर दीजिए। tan थीटा इसलिए पुट करना है कि भाई यहां हमें सब जगह tan इनवर्स ही चाहिए। अगर tan थीटा के अलावा अगर अपने कुछ और पुट किया तो भले ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई भले हो जाएगा। जैसे इसको आपने साइन पुट किया, साइन पुट सॉरी ये तो साइन, इसको आपने साइन पुट किया तो ये फंस जाएगा, इसको पुट किया तो ये फंस जाएगा। हम कहेंगे आप सबकी जगह क्या पुट करिए, x इज इक्वल टू tan थीटा। जैसे ही आपने x को tan थीटा पुट किया तो इसकी वैल्यू बन गई साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो दिक्कत होती रहेगी। ये आपका होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखिएगा। साइन 2 थीटा एक, देखिए साइन 2 थीटा हो या कॉस 2 थीटा हो या टैन 2 थीटा हो, इन सब को हम, या साइन थीटा टैन थीटा कॉस थीटा हो, इन सब को हम टैन में लिख सकते हैं, टैन में इन तीनों को लिख सकते हैं, वही यहां पे यूज हुआ है। इसको हम लिखते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको लिखते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले आपको लिखवाए गए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, आपने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले आप 11th में पढ़ चुके हैं, हम अभी नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, अगर दिक्कत हो तो आप हमारे 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो चैप्टर्स देख सकते हैं, वहां आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूले नहीं याद होंगे बच्चों, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पूरा आपको दिक्कत करने वाला है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज व्हाट, 2 थीटा। आपने x को tan थीटा माना है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स x आ गई कि नहीं आ गई। x इज इक्वल टू tan थीटा मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो 2 sin थीटा इज sin सॉरी 2 थीटा ये क्या बनेगा, 2 थीटा आपका बनेगा 2 tan इनवर्स x, विदाउट कंसीडरिंग एनी डोमेन रिस्ट्रिक्शंस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है आपका, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका आता है, लेकिन डोमेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको बस ये इतना ही ध्यान रखना होता है, ये जो एंगल है ना ये सही क्वाड्रेंट में प्लेस हो जाए, ऐसा ना हो कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल बन जाए। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा हो तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ टैन आप इसको फर्स्ट या फोर्थ, मतलब यहां से जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको फोर्थ क्वाड्रेंट या सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाइए। हम अभी लिखवा देंगे कैसे, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले रट के भी जा सकते हैं आप लोग। चलिए सेकंड वाले का प्रूफ देखते हैं। तो एलएचएस सॉरी आरएचएस लीजिए आप, तो आरएचएस अगर आप लेंगे तो यह आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को क्या पुट करोगे, टैन थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 टैन थीटा पुट करना है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आपको मिलेगा थीटा की वैल्यू tan inverse x, therefore क्या बनाइए, ये बना आपका cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। ये कौन सा फॉर्मूला है, अभी हमने लिखा था ना, ये तीनों फॉर्मूले लिखे थे, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to cos 2 theta, और cos 2 theta cos inverse of cos 2 theta is 2 theta and theta is tan inverse x, 2 tan inverse x, 2 tan inverse x, इसकी वैल्यू भी 2 tan inverse x आ गई। थर्ड वाले पे आते हैं, एलएचएस लीजिए। देखिए इधर आप
एक्स को टेन थीटा के अलावा कुछ नहीं पुट कर सकते। गलती से भी LHS में पुट करने की कोशिश मत करना, जो भी इक्वेशन आपको दिख रही हो तो जिधर ज्यादा वेरिएबल्स होने उधर सब्सटीट्यूट करिए ताकि उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, ताकि उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। अब इधर सब्सटीट्यूट करके क्या मिलने वाला है, इससे यहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो LHS की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ऑफ वन सॉरी टू tan थीटा, यही है ना, 2x अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। तो ये क्या बना, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, denominator में 1 minus tan square theta है, किस में जाएगा, plus वाले में ये जाता है आपका sin cos में, minus वाले में ये जाता है tan 2 theta। तो यहां से आपको मिला 2 theta, और theta की वैल्यू कितनी है, tan inverse x with a 2। तो इसका मतलब हमने इन तीनों को प्रूव कर लिया। अब समझ में आया सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस, सब्स्टिट्यूशन कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है ये आपको अच्छे से समझना है। अगर सही सब्स्टिट्यूशन किया तो अच्छा होगा, नहीं गलत सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो भोगते रह जाओगे, भोगते रह जाओगे मतलब यू नो यू विल बी यू नो क्राइंग राउंड, परेशान रहोगे क्या करें क्या ना करें, ऐसे कर करके परेशान हो जाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी हमने इन सब फॉर्मूले को आपको प्रूफ करवाया था कि इसकी वैल्यू 2 tan इनवर्स के x के बराबर होती है, लेकिन हमने आपसे कहा था कि डिपेंड उसमें हमने रेंज रिस्ट्रिक्ट करवा दी थी आपके कि ये जब माइनस वन से 1 के बीच का रहेगा दैट इज मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी तभी आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर x पॉजिटिव हो जाए, क्या हो अगर x पॉजिटिव हो जाए, तो हम आपको सारे फॉर्मूले लिखवा देंगे, समझा देंगे, प्रूफ वही है, बस पाई ऐड करना है कि नहीं ऐड करना है, जैसे टैन वाले में हम लोगों ने किया था वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अननेसेसरी उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर एक्स आपका मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वन होती है, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वन होती है, तो हम कहते हैं कि सीधे सीधे आपका टू टैन इनवर्स एक्स में चला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही फॉर्मूला आपका मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन वन है तो ये माइनस वन से वन रहेगा तो ये वैल्यू लग जाएगी। अब आते हैं कि अगर क्या होगा अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाए या एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन हो जाए। अगर इसकी वैल्यू वन से बड़ी हो गई तो हम कहेंगे कि भाई इसको आप पाई माइनस टू टैन इनवर्स एक्स लिख दीजिए, और अगर माइनस वन से छोटी हो गई तो आप इसको माइनस पाई माइनस टू टैन इनवर्स एक्स लिख दीजिए। जाएगा ये हमेशा टू टैन इनवर्स एक्स में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई ऐड करना है कि पाई सब्ट्रैक्ट करना है वो अलग बात है। तो चलिए देखते हैं क्यों ये प्लस पाई कभी माइनस पाई कर रहे हैं हम लोग। देखिए x पॉजिटिव मतलब ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, जीरो से पाई बाई टू। x पॉजिटिव का मतलब देखिए पॉजिटिव की बात है तो ये जीरो से पाई बाई टू लाई किया, ये नंबर भी जीरो से पाई बाई टू लाई करना चाहिए ना। अगर x की वैल्यू वन के बराबर होती है तो हम कहेंगे कि टू टैन इनवर्स x 1 हो जाएगा, 2 पाई बाई 4 हो जाएगा और पाई बाई 2 हो जाएगा। मींस जब आपका x 1 होता है तो ये पाई बाई 2 हो जा रहा है, ये पूरा एंगल पाई बाई 2, मतलब 1 से छोटा रखेंगे तो ये नंबर पाई बाई 2 से छोटा रहेगा। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं केवल, x पॉजिटिव है और अगर x 1 से छोटा है तो tan 1 से छोटा है तो tan इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 4 से छोटी आएगी, और पाई बाई टू टैन इनवर्स पाई बाई 4 की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी आएगी। मतलब पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनना ही बनना है, तो यहां तो पॉजिटिव एंगल मिला, जब तक x 1 से छोटा था ये पाई बाई 2 से छोटा एंगल बन रहा है, हम कहेंगे वेरी वेल एक्सेप्टेड, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, लेट्स गो। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, इसका मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू
पाई बाई फोर से बड़ी हो गई और टू टैन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई टू से बड़ी हो गई। अब जैसे ही x वन से बड़ा हुआ, ये नंबर टू टैन इनवर्स x 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन जाता है। जब ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन जाएगा, जब ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन जाएगा, तो ये इसकी रेंज से बाहर चला गया। ये तो पाई बाई टू से छोटा एंगल ही देगा ना, तो आपको क्या करना होगा, इस एंगल को अभी भी x पॉजिटिव है, अभी भी x पॉजिटिव है, तो ये एंगल अभी भी आपका जीरो से पाई बाई टू ही आ रहा होगा, निगेटिव नहीं जाएगा, अभी भी जीरो से पाई बाई टू ही आ रहा होगा। तो हम कहेंगे कि क्या करोगे, इसको इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आइए, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आइए। सपोज करिए आपका एंगल, सॉरी इतना टेढ़ा लाइन कौन खींचता है, सपोज करिए आपका एंगल पाई बाई टू से बड़ा होकर यहां पहुंच गया, तो हम ये एंगल रिपोर्ट करने के बजाय ये वाला एंगल रिपोर्ट करेंगे। क्यों, कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा सेम होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो आप पाई माइनस थीटा रिपोर्ट कर दीजिए, तो जो थीटा आया था उसको पाई में से घटा दो, उसको पाई में से घटा दो, ठीक। चलिए ये तो बिल्कुल सही आ गया, मतलब ये सही है कि आपने सेकेंड क्वाड्रेंट का जब ये एंगल बनने लगा तो उसको हमने पाई में से घटा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आए ताकि वैल्यू मैच कर जाए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये वाला एंगल तो सही, ये तो कर ही चुके, ये वाला एंगल अब हमारा एक्स माइनस वन से छोटा है। इस सबको क्लियर कर लेते हैं हम। अब हमारा एंगल x जो है वो लेस देन माइनस वन है, इसका मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू कहां जाएगी, लेस देन माइनस पाई बाई फोर। याद करो tan इनवर्स x का एंगल, ये वाला उसका ग्राफ होता था ना, तो जब आपका x माइनस वन से छोटा हो गया तो ये एंगल कितना होगा, माइनस पाई बाई फोर से छोटा। मतलब जब x आपका ये पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ये माइनस पाई बाई फोर से माइनस पाई बाई टू, मीन्स टू टेन इनवर्स एक्स आपका कहां से कहां तक लाई गया, माइनस पाई बाई टू से छोटा हो गया। मीन्स अगर हम एंगल की बात करें तो जीरो से माइनस पाई बाई टू से भी छोटा, कहां चला गया एंगल, यहां पे चला गया। तो जब एंगल यहां पे चला गया तो किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या इसकी रेंज में है, नहीं, x निगेटिव है, x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा नंबर निगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा होगा, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट चला जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा होगा। अभी आपका एंगल किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको आप वापस लेके आइए कहां, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम कहेंगे कि अब आप इस एंगल को रिपोर्ट करने के बजाय ये वाला एंगल रिपोर्ट करिए। तो सपोज करिए ये एंगल ऑलरेडी एक पॉजिटिव एंगल दे रहा है, ये एक निगेटिव एंगल है, निगेटिव के बाहर आपने माइनस लगा दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये आपको पता है कि ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, क्यों, क्योंकि एक्स निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक निगेटिव एंगल मिला होगा ना, निगेटिव एंगल मिला होगा ना। सपोज कर लीजिए हमने कहा थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई बाई फोर माइनस पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई फोर, माइनस थ्री पाई बाई फोर ये आपका एंगल निकला है निगेटिव साइड में, ये एक्स निगेटिव है तो हमने इसका एंगल ले लिया, माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आया, इसका आया माइनस थ्री पाई बाई फोर। देखो डबल करने के बाद आएगा, डबल करने के बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ही मिल रहा होगा, टेन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो ये मिल तो फोर्थ क्वाड्रेंट का ही रहा होगा, लेकिन जब इसको डबल करेंगे तो माइनस पाई बाई फोर से बड़ा एंगल डबल करने के बाद माइनस पाई बाई टू से छोटा हो गया माइनस थ्री पाई बाई फोर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस पाई में से इस एंगल को घटा दीजिए, तो माइनस पाई में से जब आप माइनस थ्री पाई बाई फोर घटाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा ना, तो माइनस पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर कितना बचेगा, माइनस पाई बाई फोर, ठीक। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज द आंसर व्हेन योर एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, देन योर एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये है आपका साइन के जो फॉर्मूले हैं उसका, तीनों का एक्सप्लेनेशन।
और ऐसे ही आपका कॉस का भी है, टैन का भी है, थर्ड डिग्री नहीं सॉरी टॉर्चर तो कर नहीं रहे वैसे, आईटीएफ टॉर्चर से कम होता भी नहीं है, थर्ड डिग्री ही होता है बच्चों के लिए, और खास करके जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री सीरियसली नहीं पढ़ते ना उनका थर्ड या फोर्थ डिग्री हो जाता है टॉर्चर। बट स्टिल बच्चों देखिए चीजें कठिन है, 10th से 11th में आता है सडनली चीजें जंप की, और 11th से 12th में आते हैं तो सडनली चीजें चेंज कर जाती हैं। दिक्कत कहाँ आती है कि बच्चे 9th से 10th, 10th से जब 11th में आते हैं तो 10th तक उनको बहुत लोलो पोलो एकदम प्यारी प्यारी और लीली लेकर के पढ़ाया जाता है, 11th में आते इसके बाद पढ़ बोला मतलब जैसे इतना छोटी अरे बेटा 2+2 कितना होता है 4 होता है 5 होता है 6 ऐसे करके कर पढ़ाया जाता है। 10th से 11th में आते हैं सीधा इतना हाइपर बोला ये वो तीन टा तीन झाम सब डाल दिया जाता है, बच्चा टेंशन में। अरे भैया सिलेबस को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, सडनली इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए बच्चों पर, एज फार एज माई थॉट गोज कि भाई थोड़ा चीजें 10th में डाल दीजिए ताकि जब हम कठिन चीजों की आदत रहे बच्चों को, सडनली यू कम फ्रॉम वेरी यू नो पैम्पर्ड फील्ड और सडनली यू एंटर इनटू अ फील्ड वेयर यू हैव टू स्टडी सच हैवी थिंग्स, और उसके बाद 11th में तो आपने जो भी है चेंज ऑफ गैप देखा, चेंज ऑफ डिफिकल्टी लेवल तो जो देखा बच्चे झेल के उससे पहले के संभल पाए, सडनली 12th में आते ही सब कुछ नया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस 80% 60% कैलकुलस भरा पड़ा है, कैलकुलस जिसका कि आपको ABCD आज तक नहीं पता, पूरा 12th में आपको कैलकुलस ही पढ़ना है। तो चलिए अब सिलेबस डिसाइड हमारा करना हमारे बस की बात नहीं डजन, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना हमारे बस में है तो हम लोग पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। आप हमें पता है कि चीजें आपके लिए कठिन होती हैं इस समय पर, लेकिन जितना समय कठिन हो उतना ही धैर्य से रहना चाहिए, और जितने धैर्य से आप रहेंगे उतनी ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि आप इस समुद्र को पार कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम जैसे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 2 tan inverse x साइन इनवर्स एक्स में था, वैसे ही कॉस में भी था, टैन में भी था, फिर ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले जैसे sin 3θ याद आया, cos 3θ, tan 3θ, इन सब फॉर्मूले को भी हम लोग देखेंगे, लिखेंगे और प्रूफ करेंगे, और उसके बाद वी विल बी क्लोजिंग दी चैप्टर थ्योरी पार्ट फॉर दिस टाइम, एंड वी विल बी यू नो व्हाट डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2.3। तो अगले वीडियो के बाद हम एक्सरसाइज 2.3 मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करेंगे। ठीक है चलिए, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।